A very good morning to all my dear students. In our today's lecture, we will discuss the classification of next phylum, that is phylum Annelida. We will start our classification of Annelida on the basis of position and arrangement of city. We can classify these annelid class, and another way is presence or absence of sensory organs. We can also classify this annelid class. Annelids divided into three classes, that is Polychaeta, Oligochaeta and Hirudinea. Okay, so first of all we will see the class Polychaetes. Poly means more, ek se zyada. Poly kya ho gaya? Ek se zyada. Now mostly these Polychaetes animals are marine in nature. They live in sea water or salty water. Okay, mostly marine sandworms or tube worms. Why we call sandworms? Sandworms मतलब वो ज़्यादातर sand में रहना पसंद करते हैं, मतलब वो एक गड़ा करके रहना पसंद करते हैं मिट्टी में, मर्ड में रहना ज्यादा पसंद करते हैं. थोड़ा ऐसा मिट्टी में ऐसा थोड़ा सा गड्ढा करेंगे और उसके अंदर रहते हैं, तो इसलिए हम इसको सैंड वर्म्स कहते हैं. पॉलीचीट क्लास में, पॉलीचीटा क्लास में ये सारे एनिमल्स आते हैं जो सैंड वर्म्स में थोड़ा सा गड्ढा करके रहते हैं, सैंड में थोड़ा गड्ढा करके रहते हैं, इसलिए हम उसको सैंड वर्म्स कहते हैं. और वो ट्यूब लाइक होते हैं इसलिए ट्यूब वर्म्स कहते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट कैरेक्टर इज दैट मेनी सीटे. सीटे मीन्स क्या है? सीटे इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ दीज एनिमल्स. ओके, सीटे जो है वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. ये जो आपको आउटग्रोथ दिख रही है, ये वाला पोर्शन हो गया सीटे, एंड ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको पैरापोडिया कहते हैं. ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ जो है वो पैरापोडिया है, एंड उसके नीचे का जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको लेग्स की तरह, ये हो गए सीटे. ओके, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये हेयर लाइक, ये वाले पूरे हो गए हमारे सीटे, एंड उसके आउटग्रोथ में हेयर लाइक छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पैरापोडिया. इट यूज्ड फॉर लोकोमोशन. ओके, नो, ये तो आपको समझ में आ गया कि मेनी सीटेज प्रेजेंट होते हैं. And parapodia also present here. In now head, tactile and tentacles or sectary organs are present here. Head present होता है इनमें, tentacles present होते हैं, and all sectary organs means sense organ भी present होते हैं इनमें. ठीक है, ये जो polychaetes class में जो animals आते हैं उनमें head present होता है, tentacles present होते हैं, all sectary organ भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, नाउ नो क्लैटिलम. अब क्लैटिलम किसे कहते हैं, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ. वो एक मींस एक 14 से 16 या 17 तक सेगमेंट होता है अर्थवर्म में, तो वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है. वो उस पार्ट को हम क्लैटिलम कहते हैं. तो वो वैसा कोई स्ट्रक्चर इन एनिमल्स में नहीं होता है. क्लैटिलम में, पॉलीचीट क्लास में क्लैटिलम टोटली अब्सेंट होता है. वो अर्थवर्म में प्रेजेंट होता है, पॉलीचीट क्लास में प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, नाउ सेक्सेस आर सेपरेट. मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट, मीन्स मेल अलग बॉडी होगी और फीमेल अलग बॉडी होगी. दैट्स व्हाई वी कॉल सेक्सेस आर टोटली सेपरेट. नाउ लार्वा ऑफ दिस एनिमल इज ट्रोकोपोर. ट्रोकोपोर लार्वा होता है इनमें, ट्रोकोपोर लार्वा है. ठीक है, अगर हम पॉलीचीट क्लास के एग्जाम्पल्स देखें तो उसमें नेरिज आता है. नेरिज इज ऑल्सो नोन एज रैग वर्म, और कॉमन नेम उसका रैग वर्म है, नेरिज. ठीक है, मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो किया है, इसका डायग्राम बताती हूँ. नेरिज एंड एरिनिकोला को लॉन्ग वर्म कहते हैं. एरिनिकोला भी इसी का एक एग्जाम्पल है. ये है ट्रोकोफोर लार्वा. ये लार्वा है जो कि इस पॉलीचीट क्लास में पाया जाता है. ट्रोकोफोर लार्वा, उसका स्ट्रक्चर हो गया. ये स्ट्रक्चर जो है ये है नेरिज, ये नेरिज है, एंड ये अर्निकोला. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ ये वाला स्ट्रक्चर, ये इतना वाला पोर्शन जो है ये कहलाता है
ठीक है, एंड ये आउटग्रोथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर से प्रेजेंट है, वो है पैपोडिया, ठीक है ना। सॉरी, वी विल सी द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ओलिगोचीटा। सो ओलिगो मीन्स लेस, ठीक है, कम, लेस मीनिंग होता है उसका ओलिगोचीटा, ठीक है। मोस्टली इन मॉइस्ट सॉइल इट लाइज, दीज एनिमल्स लाइज इन मॉइस्ट सॉइल और फ्यू आर फ्रेश वाटर। मॉइस्ट सॉइल मीन्स एक नमी वाला जो सॉइल होता है वो उसमें रहना पसंद करते हैं ये एनिमल्स, ओलिगोचीटा क्लास के एनिमल्स मॉइस्ट सॉइल में रहना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दैट फ्यू सीटेज आर प्रेजेंट। इसमें सीटे जो था वो हमारा एक लोकोमोटरी ऑर्गन जो था वो टोटली एब्सेंट होता है, ठीक है। नो पैरापोडिया, इसमें कोई पैरापोडिया नहीं होता है, और सीटे भी बहुत लेस क्वांटिटी में दिखाई देते हैं। नाउ क्लैटिलम प्रेजेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैटिलम हियर, फ्रॉम 14 टू 16 और 17 सेगमेंट। यहाँ पर ये बॉडी सेगमेंटेड होती है इन एनिमल्स की, तो जो 14 से 17 तक का सेगमेंट होता है उसे हम क्लैटिलम कहते हैं, ओके। तो क्लैटिलम यहाँ पर प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा डर्टी स्ट्रक्चर होता है अर्थवर्म का। आई डिसलाइक टू दिस एनिमल, बट आपको बताना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर पिक्चर डाला है। क्लैटिलम आर प्रेजेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ककून इज फॉर्म्ड। यहाँ पर ये क्लैटिलम जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका, वो ककून फॉर्म करने के लिए यूज होता है ये क्लैटिलम, ओके। नाउ सेक्सेस आर यूनाइटेड इन दिस ओलिगोचीट्स एनिमल्स, सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं, मीन्स एक ही बॉडी में वो दो सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, मीन्स फेमेल एंड मेल दोनों गोनेट्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एक ही एनिमल में, एक ही बॉडी में, ठीक है। नाउ नो लार्वल फॉर्म्स हियर इन ओलिगोचीट्स, नो लार्वल फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म एंड ल्यूम्ब्रिकस, एग्जाम्पल ऑफ दिस अर्थवर्म एंड ल्यूम्ब्रिकस। नाउ थर्ड क्लास इज हियर, दैट इज हीरोडिना। व्हाट इज द हीरोडिना, हीरोडिना क्लास जो है इनमें कौन से एनिमल आते हैं वो देखेंगे। तो मराइन एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स जो है वो मराइन नेचर होते हैं, मीन्स खारे पानी में रहना पसंद करेंगे, एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर, कुछ ऐसे जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे, फ्रेश वाटर में रहेंगे, जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ये हो गए हमारे फ्रेश वाटर एनिमल। देन टेरेस्ट्रियल मीन्स जो जमीन पर रहना पसंद करते, कुछ तो ये हीरोडिना क्लास में जो है कुछ जो है वो खारे पानी में रहेंगे, कोई फ्रेश पानी में रहेंगे, मीन्स मीठे पानी में रहना पसंद करेंगे, देन कुछ ऐसे जो जमीन पर रहेंगे, दैट्स व्हाई वी कॉल मराइन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। नाउ फैकल्टेटिव एक्टोपैरासाइट, फैकल्टेटिव एक्टोपैरासाइट मीन्स फैकल्टेटिव न्यूट्रिशन लेता है, ये ब्लड सक करता है बॉडी से, दैट्स व्हाई वी कॉल फैकल्टेटिव न्यूट्रिशन। एक्टोपैरासाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी रहता है एंड किसी होस्ट पर अटैच होता है। नाउ 33 और 34 बॉडी सेगमेंट्स आर प्रेजेंट, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, मीन्स इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ये मीन्स ये स्ट्रक्चर हो गया, अब ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये सेगमेंट्स होते हैं इसकी बॉडी में, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सेगमेंट्स। तो ये जो सेगमेंट है ये कितने है, 33 to 34 सेगमेंट्स प्रेजेंट, ठीक है। नो सीटे नो पैरापोडिया, यहाँ पर कोई आउटग्रोथ दिख रही है कि सीटे मैंने आपको बताया था कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर था, और मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन था वो ऐसे लेग्स लाइक स्ट्रक्चर था, लेग्स लाइक, तो यहाँ पर है क्या, नो, दैट इज टोटली एब्सेंट हियर, नो सीटे नो पैरापोडिया। सकर्स एट बोथ एंड, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है सकर्स मीन्स माउथ की आउटग्रोथ होती है, एक सकर मीन्स एक कैप्चर करने के लिए जिस पर वो अटैच होना चाहता है ये एनिमल, वो उसको कैप्चर करने के लिए एक स्ट्रक्चर बना होता है, दैट्स कॉल्ड सकर्स। नाउ क्लैटिलम एंड क्लैटिलम जो है वो प्रेजेंट होता है इनमें एंड फॉर्म्स ककून, जैसे अर्थवर्म में हमने देखा था कि क्लैटिलम प्रेजेंट है, उसी तरह इसमें भी क्लैटिलम प्रेजेंट है ककून को फॉर्म करने के लिए। नाउ इन अडल्ट सीलोम रिड्यूस टू 4 हीमोसिलिमिक कैनाल्स। Here, जब ये यंग वन होता है, मीन्स जब बर्थ दिया है किसी मदर ने एक बेबी बेबी एनिमल को, तो वहां पर सीलोम टोटली
प्रेजेंट होता है, टोटल सीलम प्रेजेंट होता है। बट जैसे ही वो एनिमल अडल्ट होता है, जैसे बड़ा हो जाता है, तो वो सीलोम जो है वो डिवाइड हो जाता है 4 कैनाल्स में। ओके, एंड नो लार्वल स्टेजेस हियर, नो लार्वल फॉर्म्स हियर, यहाँ पर भी टोटली एब्सेंट होंगे लार्वे। नाउ इसका अगर एग्जाम्पल देखिए तो हिरुडिनेरिया है, मैंने यहाँ पर शो किया है, एनिमल इज कॉल्ड हिरुडिनेरिया, इसे हम लीच भी कहते हैं। लीच, तो लीच जो है वो ब्लड सक करती है एनिमल से, ह्यूमन बॉडी से भी। कहीं आपने देखा होगा बहुत सारे जगह जिसका ब्लड मतलब डर्टी हो जाता है, तो डॉक्टर्स ये हमारी बॉडी पर छोड़ते हैं लीचेस, एंड वो जो गंदा वाला ब्लड है वो टोटली ये एनिमल सक कर लेता है। ये एक प्रोसीजर होती है जो डॉक्टर्स करते हैं। देन वो अगर उनको मतलब वो जो डर्टी वाला ब्लड था वो खत्म हो गया, तो ये अपने आप उस बॉडी को छोड़ देंगे, अदरवाइज ये नहीं छोड़ेंगे। मीन्स वो एक बार अटैच हो गया हमारे बॉडी से, तो ये एनिमल मीन्स बॉडी के अंदर इंटर होते जाता है, वो बहुत हार्मफुल होता है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देती चलूँ कि अगर ये हिरुडिनेरिया मीन्स किसी के बॉडी से चिपक गया, मीन्स एक इंसिडेंस हुआ, तो आपको इसको निकालना, खींच कर हम नहीं निकाल सकते इसको, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी नहीं निकाल सकते। हमें इसको अगर निकालना है तो इस पर सॉल्ट को छिड़कना पड़ेगा इसके माउथ पर, या फिर टर्मरिक को। टर्मरिक और सॉल्ट जो है वो हेल्प करता है इस एनिमल को हमारी बॉडी से रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। थैंक्स, आपको समझ आया होगा, होप करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।